नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक GDS की जो भर्ती आई है उसका फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस हमें किस प्रकार से देना है, क्योंकि इस भर्ती में अगर देखा जाए तो फॉर्म अप्लाई करते समय पोस्ट प्रेफरेंस अगर ठीक से आप लोगों ने नहीं दिया तो मेरिट लिस्ट में नाम आना बड़ा मुश्किल है। चलिए बिना टाइम गवाए पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अंतिम समय तक वीडियो देखने वाले हैं, लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती 2024 की, जिसमें 44,228 पदों पर भर्ती आई है। 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लगने वाली है। इसका ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो चुका है और 5 अगस्त अंतिम तिथि है। सभी बच्चे, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, हमारे द्वारा वो वीडियो बना दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवाई जा रही है, उस वीडियो को देख करके ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। बाकी बहुत जगह आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की ट्रिक भी बताई जा रही होगी, ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है वो भी बताया जा रहा होगा, लेकिन एक बार अभिषेक क्लासेस ने जिस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखाया है उसी तरीके से अगर भरोगे तो मेरिट लिस्ट में नंबर आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बात करने वाले हैं कि आपने सर्किल चॉइस कर लिया है, उस सर्किल के अंदर डिविजन्स चॉइस कर लिया है। अब डिविजन्स के अंदर आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे उसके लिए दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देगा। पहले मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताना चाहूंगा। इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में जब आप फॉर्म फाइनली सबमिट करने वाले होंगे उससे थोड़ी देर पहले ये चीज वहां पर दिखाई देगी, तो ये आपको भरना होता है। पोस्ट प्रेफरेंस का वहीं से मैंने बोर्ड पर लिखा है। यहां आपको सीरियल नंबर दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आपने जिस भी डिविजन्स को एज वाइज छांटा है उस डिविजन्स के अंदर वैकेंसी, ये आपको पता होगी कि कौन सा डिविजन छांटा है। वैसे आपको बता दूं कि बहुत सारी डिविजन ऐसे है जहां पर वैकेंसियां ज्यादा है और कहीं पर कम है, तो मैं ओवरऑल बताऊं कि अप्रोक्स 50 से अधिक पदों पर ही भर्तियां हैं। कहीं कहीं डिविजन में तो 300 वैकेंसियां हैं, तो उसी डिविजन्स को छांटना है जिस डिविजन में सबसे अधिक वैकेंसी हो, उस डिविजन्स को छांटना है जिस डिविजन में आप सभी की कैटेगरी की अलग अलग सबसे ज्यादा वैकेंसियां हो, ठीक है। छांट लिया आपने। अब डिविजन्स के दौरान हमें पोस्ट प्रेफरेंस देते समय इस प्रकार से वहां पर दिखाई देगा, सीरियल नंबर, यहां पर डिविजन्स का नाम, जो भी आप डिविजन छाटोगे उस डिविजन का नाम, ऑफिस के अंदर VO, जो भी आपका VO लगता है वहां डिविजन्स के अंदर VO वाइज वैकेंसी दिखाई देगी, और पोस्ट वाले कॉलम में यहां पर GDS BPM की होगी तो BPM, AVPM की होगी तो AVPM, और यहां पर आपको कैटेगरी दिखाई देगी, ठीक है। ये कैटेगरी यहां पर दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का ये कॉलम दिखाई देगा, जिस तरीके से आपको यहां पर ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर हमें पोस्ट प्रेफरेंस देना है, लेकिन कैसे देना है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहला जो सीरियल नंबर है उसमें आपको मैं बताऊं कि GDS की BPM की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। तो अगर आप हो अनरिजर्व कैटेगरी के तो फिर तो आप इसको एक नंबर पर ले सकते हो, यहां पर एक नंबर लिख सकते हो इस कॉलम के अंदर। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप हो जो है SC कैटेगरी के, तो SC कैटेगरी में सबसे पहले आपको वैकेंसी देखनी होगी खुद की कैटेगरी की। GDS BPM अनरिजर्व यहां पर भी नहीं है, GDS ABPM अनरिजर्व यहां पर भी नहीं है, GDS ABPM अनरिजर्व यहां पर भी नहीं है, GDS BPM SC कैटेगरी यहां पर है चौथे नंबर पर SC कैटेगरी की, यानी कि हमारी कैटेगरी की। अब हमें पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में फर्स्ट नंबर पर यही डाल देना है चौथे नंबर का, ठीक है। फिर हमें और देखना है क्या GDS ABPM OBC की, ये भी हमारे काम की नहीं है, GDS डाक सेवक अनरिजर्व ये भी काम की नहीं है, GDS BPM SC, देखिए यहां पर सातवें नंबर पर और है SC कैटेगरी की, तो इसको हमें दो नंबर पर डाल देना है। दो वैकेंसी तो हमें यहां मिल गई SC कैटेगरी की, यानी कि हमारी कैटेगरी की। इसके अलावा ये 8 वैकेंसियां मैंने बताई, और भी बहुत सारी वैकेंसी होती है, तो वो सारा जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको निकलता जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी की पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है, SC कैटेगरी उदाहरण के तौर पर बताया है। अगर आप हो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के,
तो अनरिजर्व का तो पहले यहां पर देना, दूसरा यहां पर देना, तीसरा यहां पर देना। अनरिजर्व की तो बहुत सारी वैकेंसी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हो ओबीसी की, तो ओबीसी की सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखनी है, कहां पर है, कहां पर है। ये रही जीडीएस एबीपीएम की है और आपका ओबीसी की है, तो यहां पर एक नंबर डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर डालना है, ये यहां वाली वैकेंसी है, यहां पर डाल देना है एक नंबर, ठीक है। इस तरीके से बनना है, ठीक है। हमने हमारी कैटेगरी की वैकेंसी तो भर दी, उसके बाद दोस्तों जितनी भी अनरिजर्व की दिखाई दे रही है ना, वहां भर देनी है। जैसे आप एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो अनरिजर्व की यहां रह गई ना, तो इसको भी भर दो। अब एक नंबर नहीं डालना है आपको, क्योंकि सीरियल का एक नंबर है, तो एक नंबर नहीं डालना है, क्योंकि एक नंबर तो आपने यहां डाल दिया। अरे भाई दो नंबर भी मत डालना, क्योंकि दो नंबर आपने यहां डाल दिया, फिर क्या डालना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर जो एक नंबर वाली वैकेंसी है आपकी, जो एससी कैटेगरी की है, एक दो चौथे नंबर वाली वैकेंसी, ये एससी कैटेगरी की थी, तो एससी कैटेगरी की चौथे नंबर की वैकेंसी को आपने पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में एक नंबर डाल दिया। अब चौथे नंबर की कहां जाएगी, तो आपको चार नंबर यहां लिख देना है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग, ठीक है। उस दौरान आपको कहीं ना कहीं एससी की और देखनी है, तो सातवें नंबर की जो वैकेंसी थी वो आपने पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में डाल दी, तो सात नंबर आपको यहां डाल देना है। वापस आपने तीन नंबर तो नहीं डाला है, देख लेना अपनी कैटेगरी में नहीं डाला है। अनरिजर्व में आपने जो है पांचवें नंबर पर नहीं डाला है, तो इस तरीके से आप लोग सारा पोस्ट प्रेफरेंस देना है। समझे या नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए ना। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय पहले अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियां भरनी है, उसके बाद अदर कैटेगरियों की जानकारी अभी देने वाला हूं। ये चीज आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो और बता दूंगा। दोस्तों पहले अपनी कैटेगरी की सारी पोस्ट भर देनी है, उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की सारी पोस्ट भर देनी है। अनरिजर्व ओनली अपनी कैटेगरी वाली वैकेंसी भरेगा, वो अदर कैटेगरी वाली वैकेंसी नहीं भरेगा, ठीक है। डिवीजन में जितनी पोस्ट आई है सभी को भरना है। जैसे आपने एक डिवीजन चॉइस कर लिया, उस डिवीजन्स के अंदर है 200 वैकेंसियां, तो 200 वैकेंसियों में से आपकी कैटेगरी की है 50 वैकेंसी, 150 वैकेंसी बाकी अदर कैटेगरी की है। अब अदर कैटेगरी का मतलब है इसमें आपका, जैसे आप हो एसटी कैटेगरी के, ठीक है। अब ये 150 यूआर की भी हो सकती है, आपका ओबीसी की भी हो सकती है, एससी की भी हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की भी हो सकती है, ठीक है। 50 तो आपकी फिक्स है, आपने 50 पर तो पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है। लेकिन प्यारे बच्चों इन 150 में से अब आपको छांटना है कि अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है। चलो मान लो 50 वैकेंसी अनरिजर्व की है, अब आपकी कितनी पोस्ट प्रेफरेंस हो गई, 100 पोस्ट भर दी। 50 तो आपने खुद की एसटी की भर दी, 50 आपने अनरिजर्व की भर दी। अब रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना है। आप ऐसे मत करना कि ओबीसी का भी भर दो, ईडब्ल्यूएस का भी भर दो, काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी 50 वैकेंसी अदर कैटेगरी की है। मेरा कहने का मतलब आप बाद में अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, अदर कैटेगरी की सीट पर नहीं दे सकते। सभी को भरना है, एक भी खाली नहीं छोड़नी है प्यारे बच्चों, समझ गए ना। सेम पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है, नहीं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। सावधान, मैंने यहां पर बताया ना, सेम पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है। जैसे एक नंबर पर आपने यहां दे दिया एससी कैटेगरी, तो वापस आपको एक नंबर कहीं पर भी नहीं लिखना है, नहीं तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। जैसे आपका सीरियल वाइज चलता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितनी भी वैकेंसी आई है, अब यहां आपने पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में डाल दिया 8 नंबर, ठीक है, और 8 के सामने भी डाल रहे हो 8 नंबर, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। समझ गए ना, सेम 8 नंबर दो बार नहीं आएगा, सेम 2 नंबर दो बार नहीं आएगा, सेम 3 वाला सीरियल 3 बार नहीं आएगा, एक सीरियल एक बार ही आएगा, एक पोस्ट प्रेफरेंस एक बार ही देनी है, सेम पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी है, नहीं तो फॉर्म आपका सक्सेसफुली नहीं होगा। ट्रिक बताऊं दोस्तों, ट्रिक अभिषेक क्लासेस की ट्रिक अगर आपने फॉलो की, तो कहीं ना कहीं बाद में मुझे आप लड्डू अवश्य भेजोगे, मिठाई अवश्य भेजोगे। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय प्यारे बच्चों पहले ग्रामीण क्षेत्र छांटना है। सर मुझे कैसे पता चलेगा, यहां जो वीओ होता है ना, यहां पर अपना, आप तो जानते होंगे जो भी आपने डिवीजन छांटा है, तो आपको तो पता होगा आपके क्षेत्र का, तो इन वीओ का अंदर नाम दिया होता है आपके क्षेत्र का। तो जो भी बैकवर्ड इलाका है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, उसको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में पहले देना है यहां पर, उसके बाद शहरी क्षेत्र को लेना है, ठीक है। पहले दोस्तों अगर आपकी कम परसेंटेज है 10वीं क्लास में,
तो डाक सेवक का पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर देना है, दूसरी बार एबीपीएम का देना है और तीसरी बार बीपीएम का देना है। भाई मेरे तो है 80% 10वीं क्लास में और मैं भर रहा हूं पहले बीपीएम। भूल जाइए जीडीएस की नौकरी कभी लग जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि बीपीएम के लिए तो 95 वाला पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस दे रहा है, तेरा नंबर कैसे आएगा 80 पर। इसलिए तू डाक सेवक के पद पर कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस दे, उसके बाद तू एबीपीएम पर दे, दोनों में से एक तो वैकेंसी मिलेगी ना, ये ले जाएगा 95 वाला बीपीएम को, तो आपके काम नहीं आएगी। इसलिए इस तरीके से आप ट्रिक फॉलो करो, लेकिन भरना सभी है, चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो। मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया तो रुक नहीं पाओगे। कैटेगरी वाइज इससे पहले वीडियो एक बार देख लेना, जो मैंने डाल रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वो भी आपकी बड़ी हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पर मैंने बताया कि पीडब्ल्यूडी वाले बाकी कैटेगरी पर पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अंडर रिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बाकी कौन कौन सी कैटेगरी ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो वहां पर कैटेगरी वाइज पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सिंपल तरीके से मैंने आसानी से वहां पर आपको समझाया है, तो वो वाली वीडियो पहले देखे, उसके बाद ये वाली वीडियो देखे और नेक्स्ट पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है सर, आपने ये तो बताया नहीं कौन से डिवीजन से अप्लाई करूं, 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, आपने सर्किल भी नहीं बताया कहां से मेरा नंबर आएगा, तो उसके लिए तो अभी सब्र रखो ना, अभी से क्लासेस पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी पहले देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या है गलतियां कर रहे हैं, रोक रहा हूं बहुत ज्यादा, रुक जाओ, नहीं रुक नहीं रहे हैं, पता नहीं कहां फॉर्म भागा जा रहा है, अभी तो 5 अगस्त बड़ी दूर है, लेकिन जो जल्दबाजी कर रहे हैं उनके लिए मैं भी शॉर्ट रूप से बता रहा हूं अभी, ठीक है, रुक जाओ, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। बने रहे अभी से क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाकर रखे। जय हिंद, जय भारत।